शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अंजलि, मैं नीचे कैसे पहुंचा? उस आदित्य ने कोई उल्टी सीधी हरकत तो नहीं की ना? तुम ठीक हो ना? उस आदित्य को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, जान ले लूंगा उसकी। नहीं अजय, अब शांत हो जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है। यश जी गुस्से में क्या कर बैठे, कुछ पता नहीं। हमें अभी यश जी को नहीं बताना चाहिए कि असल में हुआ क्या था। कल अच्छी तरह से जवाब देंगे हम उस आदित्य को। इतने तेल घी वाले पराठे बनाता कौन है? याद रहे, हमारा आदित्य अपनी फिटनेस पर बहुत ध्यान देता है। क्यों आदि? यस आंटी, आप चिंता मत कीजिए, मैं लोग को अपना डाइट चार्ट समझा दूंगा। हाँ, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि ये पराठे बनाए किसने हैं। वाह, मानना पड़ेगा इस घर के लोगों में अच्छी खासी एकता है। लेकिन देखते हैं ये एकता कब तक टिकी रहती है। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए आप लोग, आज के बाद इस घर में नाश्ता, लंच और डिनर हमारे और आदित्य के हिसाब से ही बनना चाहिए। और अगर कोई गड़बड़ हुई अच्छा नहीं होगा। माफ कीजिएगा, आप तो उम्र में बड़ी है ना हमसे, आपको तो पता होगा ना कि अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। बोलिए, क्या चाहिए आपको नाश्ते में? हम अभी बना देंगे। कल की लड़की हमें मान अपमान का पाठ पढ़ाएगी। आप लोग अपनी औकात में रहिए, वरना एक फोन करेंगे और बुलडोजर आ पहुंचेगा आपके घर को तोड़ के। आप नाराज मत होइए, जितनी अकल होगी उतनी तो बात करेगी ना। याद है ना,
आज शाम 3 बजे कॉफी पर। अंजलि, आज मैं तहसीलदार के ऑफिस जा रहा हूं, अपने प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स ठीक कराने। अब कानूनी तरीके से बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर हमें कोई धमका नहीं पाएगा। हम खुशी खुशी अपने घर में रहेंगे और ये दोनों शांति से अपने घर चले जाएंगे। यश जी, आप इतने शुभ काम के लिए घर से निकल रहे हैं, चलिए हम दोनों साथ में मिलकर गोपाल का दिया जलाते हैं। आइए, आप ही थाली रसोई में रख दीजिए। बेस्ट ऑफ लक यश, हमें आप पर पूरा भरोसा है, अब सब कुछ ठीक कर देंगे। और आप किसी भी बात की चिंता मत कीजिएगा, हम और आपका पूरा परिवार हमेशा आपके साथ है। ना तो कोई हमें इस घर से निकाल पाएगा और ना ही तोड़ पाएगा। आप कुछ भूल रहे हैं यश जी? गोपाल हमेशा हमारे सुहाग की रक्षा करेंगे। कल दोपहर 3 बजे अगर तुम मेरे साथ कॉफी पीने नहीं आई तो उसके 4 घंटे के अंदर तुम यश को हमेशा के लिए खो दोगी। देख बेटा, मैट्रिमोनियल साइट पर तेरा प्रोफाइल रजिस्टर करवाया था, उनमें से कुछ प्रोफाइल छांटे हैं मैंने, देख अगर तुझे कोई पसंद हो तो। अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। आजा रिचा, हम दोनों मिलकर देखते हैं, चल बैठ। ये देख बेटा। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि सारे लड़के एक से बढ़कर एक हैं। देख रिचा। देखना बेटा। अब मुझे अपनी पसंद पर भरोसा नहीं रहा पापा। मैं जानती हूँ आप दोनों की पसंद बेस्ट होगी, आप जहां कहेंगे जिससे कहेंगे मैं शादी कर लूंगी। अचानक चक्कर क्यों आ रहा है? एक अनोखे बंधन से बंधी अंजलि की कहानी देखने के लिए
अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।